Hello everyone, welcome to EME Technologies. My name is Munish Sharma and today I will tell you how to use PROTEUS software and basically इसमें हम क्या करेंगे embedded systems के कुछ components को हम simulate करके देखेंगे. Okay? So इसमें हम जो software का use करेंगे वो है हमारा ISIS PROTEUS. Basically इसमें हम components, hardware components को place करके हम उनकी simulation करके देख सकते हैं. Basically हम उन्हें चला के देखेंगे कि हमारा project जो है वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा. तो गाइस ये जो ब्लू बॉक्स है इसमें आपको आपके कंपोनेंट्स प्लेस करने हैं जो भी हार्डवेयर कंपोनेंट्स है. तो ये जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स की एक लाइब्रेरी बनी हुई है यहाँ पर, तो यहाँ से पिक पार्ट्स फ्रॉम लाइब्रेरी यहाँ से भी ले सकते हैं या फिर यहाँ से पी पे क्लिक करके. ओके, तो ये आपकी लाइब्रेरी आ गई. तो सबसे पहले हम ट्रांजिस्टर को एज अ स्विच यूज करके देखते हैं. तो उसके लिए आपको एक NPN ट्रांजिस्टर चाहिए BC547. तो यहाँ पर BC547 लेंगे और इसके साथ एक LED, एक पुश बटन और रेजिस्टेंस, ये सब कंपोनेंट्स लेंगे हम. ओके, तो यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि BC547 ऐड हो गया. इसके बाद एक पुश बटन और LED, तो ये कंपोनेंट्स हमने ले लिया है. यहाँ पर एक NPN ट्रांजिस्टर, तो इसको जब आपको प्लेस करना है तो यहाँ पर क्लिक करके जिस भी कंपोनेंट को प्लेस करना है तो यहाँ पर आके एक बार क्लिक करेंगे, उसके बाद इसे कहीं भी प्लेस किया जा सकता है. तो हम यहाँ पर इसे प्लेस कर देंगे. तो गाइस यहाँ से आप देख सकते हैं ये जो है ये हमारे ट्रांजिस्टर का बेस है, ये कलेक्टर एंड ये एमिटर. ये एरो जो है वो हमें डिपिक्ट करता है कि कहाँ पर हमारा एमिटर है. ओके, तो इसके बाद एक बटन लगाएंगे. ओके, और इसके बाद एक LED. तो गाइस जब हम ट्रांजिस्टर को यहाँ पर पावर देंगे तो यहाँ पर हमें टर्मिनल्स देने हैं. राइट क्लिक करेंगे, प्लेस टर्मिनल, यहाँ पर पावर और ग्राउंड दोनों ऑप्शंस मिल जाएंगे आपको. पावर हमें यहाँ पर प्लेस करनी है. तो ये यहाँ पर हम NPN ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं. तो NPN मतलब जो इसका बेस है वो पॉजिटिव बायस्ड है. तो यहाँ से हम पॉजिटिव सप्लाई देंगे तो ये एक्टिव रीजन में आ जाएगा. एक्टिव रीजन में आने का मतलब कलेक्टर और एमिटर का आपस में कनेक्शन हो जाएगा. तो यहाँ पर अगर हम पावर इसे यहाँ पर यहाँ से दे दें, यहाँ पर पॉजिटिव पे हमने पावर दे दी, अब इसे ग्राउंड चाहिए तो ग्राउंड हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पर ग्राउंड दे देंगे. तो अब क्या होगा, जब हम ये पुश बटन प्रेस करेंगे तो ये पावर यहाँ पर बेस पर आएगी, उसकी वजह से ट्रांजिस्टर एक्टिव रीजन में आएगा और ये कनेक्शन कंप्लीट होने की वजह से हमारी LED जो है वो ग्लो हो जाएगी. ओके, तो इसे प्ले करते हैं. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जब मैं ये पुश बटन प्रेस कर रहा हूँ तो मेरी LED जो है वो ग्लो हो रही है. ओके, तो इस तरह से आप ये LED का एक सिमुलेशन यहाँ पर प्ले कर सकते हैं. ओके, इसी तरह से और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं जो आप प्ले करके देख सकते हैं. जैसे कि अब मैं 8051 का आपको बताऊंगा कि 8051 को हम किस तरह से सिमुलेट कर सकते हैं. तो यहाँ पर कंपोनेंट्स में जाके यहाँ पर 8051 एक फैमिली है, 89C51 हमारा माइक्रो कंट्रोलर है. तो ये हम यहाँ से सिलेक्ट करेंगे. तो गाइस इसके साथ हमें यहाँ पर क्लॉक, क्रिस्टल ऑसिलेटर, रीसेट सर्किट और एक्सटर्नल एक्सेस, इसे हाई करवाना पड़ता है. तो ये सर्किट हमें प्रोटीएस में बनाने की ज़रूरत नहीं है, इसे हम डायरेक्टली सिमुलेट कर सकते हैं. आप मेरी पिछली वीडियोस में देख सकते हैं कि हम किस तरह से हार्डवेयर के कंपोनेंट्स को प्लेस करके इसमें हमारा पूरा जो हार्डवेयर का सर्किट है उस 8051, हमें इवन इसमें पावर, VCC और ग्राउंड देने की भी ज़रूरत नहीं है. ये हमारा 40-pin का IC है, तो इसे हम की सॉफ्टवेयर से हम इसे प्रोग्राम करेंगे. बेसिकली इसमें चार पोर्ट्स होते हैं, पोर्ट 0, 1, 2, 3. पोर्ट 0 जो है वो ओपन ड्रेन पोर्ट है, तो इस पर आप डायरेक्ट अपनी अपने हार्डवेयर डिवाइसेस नहीं लगा सकते. रीसेट पे एक RC सर्किट बनेगा. क्लॉक इसमें 11.0592 मेगाहर्ट्ज़ का लगेगा. और एक्सटर्नल एक्सेस, या तो आप इसमें EEPROM लगा सकते हो एक एक्सटर्नली, अगर आपको 4KB इंटरनल मेमोरी से ज़्यादा स्पेस चाहिए प्रोग्राम के लिए. बट हमारे केस में हमें अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, तो हम इसे बिना हार्डवेयर के, बिना किसी चीज़ के हम डायरेक्टली सिमुलेट करेंगे. ओके, तो यहाँ पर मैं आपको इसके साथ एक मोटर रोटेट करवा के दिखाऊंगा. मोटर रोटेट करने के लिए मुझे एच ब्रिज चाहिए, जो कि मोटर ड्राइवर है हमारा, तो वो आपको मिल जाएगा L293D के नाम से. ओके, तो इसे हम यहाँ पर ऐड कर लेंगे.
तो ये हमारा मोटर ड्राइवर है, हम पोर्ट 2 का यूज करेंगे। यहाँ पर IN1 और IN2 को यहाँ पर कनेक्ट कर देंगे और एनेबल्स को हम कनेक्ट करके यहाँ पर पावर के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो याद रखिएगा यहाँ सिमुलेशन पर्पस के लिए इन दोनों को सेम पावर सोर्स से नहीं कनेक्ट करना। VSS में क्या होता है, VSS में हमें एक्सटर्नल पावर मोटर को ड्राइव करने के लिए देनी होती है और यहाँ पर 5 वोल्ट हमारे IC को ड्राइव करने के लिए। तो यहाँ पर आप दोनों सोर्स हमेशा सेम नहीं ले सकते। ओके, तो हम इसे यहाँ पर कनेक्ट कर देते हैं। IN1 और IN2, IN3, IN4 ये चार जो हैं ये हमारे मोटर की डायरेक्शन को कंट्रोल करवाएंगे। तो ये हम यहाँ पर इस तरह से कनेक्ट कर देंगे और हमें चाहिए ग्राउंड, तो यहाँ पर ग्राउंड आप कॉमन रख सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमने ग्राउंड कनेक्ट कर दिया। उसके बाद हमें मोटर चाहिए, तो यहाँ पर आप DC मोटर ले सकते हैं, हम एनिमेटेड लेंगे इससे ताकि हमें RPM पता लग सके। ओके, तो यहाँ पर हमें इसके RPM भी पता लग जाते हैं जो इसके नीचे ये वाले डिस्प्ले है। तो गाइस अब हमारा हार्डवेयर का जो सर्किट है वो सारा कंप्लीट हो चुका है। अब हमें कील सॉफ्टवेयर में इसके लिए एक प्रोग्राम लिखना है। ओके, तो हम प्रोग्राम कील सॉफ्टवेयर में लिखेंगे। कोई भी कील का कोई भी वर्जन आप यूज़ कर सकते हो। मैं आपको असेंबली में इसका प्रोग्राम लिख के दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको प्रोजेक्ट में जाके न्यू यूविजन प्रोजेक्ट, ओके, कुछ भी नाम रख के .asm रख सकते हैं आप इसका नाम, सेव। यहाँ पर कंट्रोलर सिलेक्ट करना है आपको, एटमेल का कंट्रोलर हम यूज़ कर रहे हैं 889C51। ध्यान रखिएगा यही कंट्रोलर सेम आपका वहाँ पे होना चाहिए, कोई और फैमिली जैसे कि 89C2051 जो है वो हमारा 20 पिन का IC है, तो वो इसका प्रोग्राम उसमें काम नहीं करेगा। तो हम ये प्रोग्राम, ये जो हमारा कंट्रोलर है वो यूज़ कर रहे हैं। ओके, स्टार्टअप कोड्स नो, टारगेट में जाके सोर्स ग्रुप में आपको वो XXX वाली फाइल जो है वो ओपन करनी है, एड क्लोज। और यहाँ पर आपको इसका कोड लिखना है। ओके, तो यहाँ पर हम कोड लिखना स्टार्ट कर देते हैं, ORG00H क्लियर एक्यूमुलेटर। ओके, और यहाँ पर लूप नाम का हम एक लेबल लगा देंगे। यहाँ पर आप यहाँ से देख सकते हैं, अब हम यहाँ से देख सकते हैं कि हमारी मोटर्स जो हैं, जो L293D की इनपुट्स हैं वो 2.0, 2.1, 2.3 एंड 2.4 पे कनेक्टेड है। ओके, तो हम यहाँ पर प्रोग्राम में कर देंगे, तो इस तरह से अब हमने यहाँ पर इसे प्रोग्राम कर दिया। ओके, 2, 3, 4 ये चार पिंस के लिए, और फिर यहाँ पर हम इसे प्रोग्राम को एंड कर देंगे। ओके, तो अब इसे हम कंपाइल करते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी हेक्स नहीं बन रही है, तो हमें उसके लिए क्या करना होगा, टारगेट में जाके ऑप्शंस आउटपुट यहाँ पर क्रिएट हेक्स वाले चेकबॉक्स पर क्लिक कर देंगे। ओके, तो ये हमारी हेक्स फाइल जो है वो कन्वर्ट हो गया। अब हम इसे प्रोटीयस में यहाँ पर भेज देंगे। ओके,
यहाँ से आप इसकी लोकेशन देख सकते हैं कि कहाँ पर हमने इसकी लोकेशन रखी है। आउटपुट में सिलेक्ट ऑब्जेक्ट फोल्डर डॉक्यूमेंट्स में है, तो यहाँ पर तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमने हाई लो लॉजिक किया है और यहाँ पर हमारी मोटर जो है वो रोटेट होना स्टार्ट हो गया। तो एच ब्रिज मोटर ड्राइव करने के लिए हमें एच ब्रिज लगाना पड़ेगा और एच ब्रिज को कंट्रोल करवाने के लिए हम कंट्रोलर यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो इस तरह से आप 8051 को सिमुलेट करके प्रोटीएस पे देख सकते हैं। ओके, अगर मैं इसी लॉजिक को उल्टा कर दूँ यहाँ पर, जैसे अगर मैं क्लियर की जगह यहाँ पर सेट बी और यहाँ पर क्लियर और इसे कंपाइल करके, तो अभी आप देख रहे हैं कि दोनों मेरी मोटर्स जो है वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूम रही है। स्टॉप करके प्ले करेंगे तो अब आप देख रहे हैं एक मोटर जो है वो एंटी क्लॉकवाइज घूमना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि यहाँ से हमने लॉजिक ही चेंज कर दिया उसका। ओके, तो इस तरह से हम सिमुलेशन करके देख सकते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच, डू लाइक अवर वीडियो।